तुम जो ये फ्री का राशन तोड़ रहे हो ना बिल्ले, तुम्हें लगता है तुम्हें वो तुमको झेलेंगे? वो सबसे पहले तुम्हारा घर ही बेघर होगा, ये बात ध्यान रखना तुम हमारा, समझ रहे हो? ओहो, चाय पी के जाते हैं। ए, दो कटिंग चाय नहीं पी रहे हैं। फोन फोन आया हमारा। फोन आया। हाँ संतु बोलो। अब कुछ तो गड़बड़ है मैडम, कुछ तो गड़बड़ है। हम आओ सीआईडी, कुछ तो गड़बड़, कुछ आगे आगे बोलो। मैडम घड़ी चोरी ही नहीं हुई। का? हाँ मैडम, यहाँ पर ना एक घड़ी वाला है, उससे हम लोग पूछताछ किए हैं, पता जो चला है ना, आप जानिएगा आपको भी झटका लगेगा। इस सुबोध का घड़ी ना और कोई नहीं, उसकी माँ और उसकी बीवी ही देने आए थे। नहीं नहीं, एक मिनट हमको समझने दो। जिस घड़ी के पीछे हम भाग रहे हैं, जिसका रिपोर्ट सुबोध ने लिखवाया है कि वो चोरी हो गया है, वो घड़ी चोरी नहीं हुआ है, वो घड़ी उसकी माँ और उसकी पत्नी लेकर गई थी घड़ी वाले के पास। हाँ मतलब घड़ी का कोई शीशा टूट गया था वो रिपेयर करवाने के लिए, पर सवाल ये है मैडम कि जब घड़ी चोरी ही नहीं हुई तो सुबह थाने क्यों आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए? अब ये चल क्या रहा है ये? हेलो मैडम, हेलो। मासूमियत संतु जी, फोन काट दी मैडम। पकड़ो इसे। आपको क्या लगता है माची, एसएचओ मैडम हमें माफ कर देंगी ना? अरे क्यों नहीं करेगी माफ, जितना मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत ही भले और नेक ऑफिसर हैं और समझदार भी हैं, तो चिंता मत कर, वो हमारी मुश्किल भी समझेंगी और हमें माफ भी कर देंगी। झरना, पुलिस, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है माची? हमें लगता है सीना मैडम को सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने ही नहीं हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। अब गलत थी, हमें सीना मैडम पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। हमें भागना होगा, हमें जेल नहीं जाना है, हमें जेल नहीं जाना है। ड्राइवर गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। अरे अरे रुक 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 रुक, ये पुलिस को देख कैसे भाग कर गई? और पुलिस को देख के वही बनता है मोर जिसके मन में होता है चोर। कि मैया की सासू मैया चल क्या रहे हो? स्कैन करेंगे क्या आप? नहीं, पूरा शहर स्कैन करना है, कहीं तो मिलेगी मैडम सर की गन। अब ये मत कहिए कि पूरे देश में नहीं मिली तो पूरी दुनिया स्कैन करेंगे आप। जरूरत पड़ी तो वो भी। जब तक हमें गन नहीं मिलती ना तो हम थाने वापस जाएंगे और ना आप घर जाएंगी। अरे क्या पागल हो गई? बी केयरफुल, आई एम योर सीनियर, लाइन हाजिर हो जाएंगी। ये सीख लिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कभी कोई अपनी खोई हुई चीज ढूंढता है क्या? मतलब उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। ऐसे तो हम आपके साथ ही बूढ़े हो जाएंगे। हो जाएंगे? Lost object found. Take a U-turn. क्या? Take a U-turn. लेकिन क्यों? Take a U-turn now. I'm your senior. Follow my orders. हाँ हाँ। गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी वो जा रहे हैं। अरे हाँ जाओ। अरे हाँ चला रहे हैं ना। बिल्ले, अरे तुम क्या? पुष्पा जी क्या ये? हे बाप, क्या है ये? क्या है क्या? देख के नहीं चला सकती आप गाड़ी? हाँ तो आप कौन सा देखकर चला रही थी? अंधाधुन अपनी मस्ती में गाड़ी चला रही है। अरे हाँ, हम कैसे भूल गए, ये सड़क तो खरीद ली है ना आपने। हाँ तो लोग तो अपने आप आपको रास्ता देंगे। अरे रुकिए रुकिए, महारानी साहिबा की सवारी आ गई, रास्ता दे दो उन्हें। देखिए हमारा तपा हुआ दिमाग और हमारे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने का जरूरत नहीं, समझ रही आप हमारी बात को? फिर हम कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे ना तो मिर्ची फिर आपको लग जाएगी। देख आपकी वजह से वो भी भाग गया। और हाँ एक बात याद रखिए, हम सास हैं आपकी। हाँ हाँ है, बिल्कुल है आप सास हमारी, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं, आप घर पर हमारी सास है। हाँ तो आपको भी ड्यूटी खत्म करने के बाद उसी घर में आना है जहाँ हम सास है, समझ गई ना? क्या क्या हो क्या रहा है? इस सड़क पर पब्लिक झगड़ा करती तो पुलिस को बुलाते हैं। अभी तुम पुलिस झगड़ रहे हो तो किसको बुलाए? आप लोग यहाँ सड़क पर क्या कर? जय मैडम, कहीं भी शुरू हो जाते हैं।
सड़क पर खड़े हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। मैडम सर, हमें लिफ्ट चाहिए, हमें किसी का पीछा करना है। मैडम सही नहीं, आप हमें लिफ्ट दे दीजिए, इनकी वजह से मेरा मैडम उस तरफ भाग गई आपकी गन ढूंढने के चक्कर में। पुष्पा जी, मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकते, आप उसका पीछा कीजिए और फिलहाल आप दोनों मैनेज कीजिए कैसे भी, हमें बहुत अर्जेंट काम से कहीं जाना है। नहीं मैडम सर, कैसे, हमारी गाड़ी इनकी वजह से बंद पड़ गई है ना। और हमारा बाइक जो आपके वजह से बंद पड़ गया, उसका कहां पुष्पा जी? हमारे नहीं, आपके बाइक। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास। क्या? थोड़ा उधर हो जाइए ना, अब बैठने को जगह नहीं हो रही हमें। कर रहे हैं आप लोग, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हमने नहीं, इन्होंने धक्का मारा मैडम सर। नहीं क्या पुष्पा जी, कुछ भी झूठ बोलती। अच्छा मुझे बताओ मैडम सर, हम जा कहाँ रहे, जाना कहाँ है हमें? मीरा का पीछा करो। हाँ मीरा का पीछा, ओह माय गॉड। बिल्लू आके देखो, माओ चलो। हाँ हाँ। अरे हाँ, चला। हाँ, हाँ, हाँ। इतना तेज मशीन है ना मैडम सर। रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकते, ये मेरा केस है। पीछे हम लगे थे, पकड़ा मैंने है, देखा हमने था, मुझे इनसे बात करनी है। तो हम क्या गोद लेने जा रहे हैं उनको, हमें भी तो बात करना है। इनके पास मैडम सर की सर्विस गन है। क्या बात कर रही हो? यस, इसकी मियां की सासू मियां, इसने मैडम सर का गन चुराया, पूरा इमेज चूरन कर डाला मैडम सर का, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जा सकती। मैडम सर इसे ऑर्डर दीजिए कि हमें आगे जाने दे और ये हमें बैकअप दे। दीजिए इसका ऑर्डर। मीरा इन्हें आगे जाने दो, तुम इन्हें बैकअप दो। ओके मैडम सर। संभाल के, उसके पास गन है। ह्यूमन चोचले, सस्पेक्ट फरार, पर मैं ढूंढ सकती हूँ। कांस्टेबल पुष्पा सिंह, फॉलो मी। एक मिनट, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। सॉरी आप नहीं आ सकती, हम दोनों अलग अलग केस लीड कर रहे हैं और क्योंकि ये मेरा केस है, यहाँ मैं सीनियर हूँ। आप यहाँ रहेंगी तो आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो आप करेंगी नहीं क्योंकि आप सीनियर हैं। और वैसे भी आपका आपका का हमारा का टू मच ईगो प्रॉब्लम, नो मैच, इसलिए हम एक साथ काम नहीं कर सकते। सॉरी। कर लेंगे हम तुम्हारे ना, तुम्हारे ऑर्डर भी फॉलो कर लेंगे, मैडम सर के लिए चूने के डब्बे करेंगे तुम्हारा ऑर्डर फॉलो। ओके, आप घर की तलाशी लीजिए। कांस्टेबल पुष्पा सिंह, हाँ? दूसरी गाड़ी मंगवाइए, हमें दोनों औरतों को ढूंढना है, सर्च मिशन ऑन रखना है। मंगाते हैं, मंगाते हैं। मैडम सर आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपका गन आपके पास होगा और आपका पोस्ट भी आपके पास होगा, पूरे मान और सम्मान के साथ। चलिए पुष्पा जी। मीरा जी, थैंक यू। चलो बिल्ले। सब गड़बड़ हो गई, उन्होंने हम पर भरोसा किया और अब वही इतने बड़े झमेले में है, वो भी हमारी वजह से। मैडम क्या बात कर रही हैं आप, मतलब झरना ने हसीना मैडम की गन चुराई और मेरी माँ ने उसका साथ दिया। भगवान ये क्या किया सास बहू ने मिलके, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को। अच्छा और तुम्हारी धर्म पत्नी और माँ के वजह से जो हमारी मैडम सर की इज्जत का कचरा हुआ है वो किसके खाते में आता है भैया? देखिए मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है कसम से, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि झरना आखिर ऐसा करेगी क्यों, वो हसीना मैडम की गन क्यों चुराएगी।
और मेरी माँ उसका साथ क्यों देगी? और झरना बहुत सीधी साधी और घरेलू औरत है, मेरा विश्वास कीजिए मैडम। वो तो जब हमारे हाथ लगेंगी तब हमें पता चलेगा ना कहाँ गई है दोनों। मैडम मुझे नहीं पता है, नहीं पता है कहाँ है वो। इतनी देर से दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ, दोनों के फोन आउट ऑफ रीच आ रहे हैं। किसका फोन है, किसका फोन है, जल्दी देखो। अननोन नंबर है। तुम्हारी धर्मपत्नी का फोन हो सकता है। सुनो, तुम फोन उठाओगे, एक तो प्यार से बात करोगे, गुस्सा नहीं दिखाओगे, दूसरा उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर है और तुम्हें वो गन वाला बात पता है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। जयन मैडम। संतु, हम तुम्हें एक नंबर दे रहे हैं। नंबर क्या, नंबर क्या? 8840-56789 इस नंबर को ट्रेस करो, ठीक है? वो स्पीकर पे डालिए। हेलो। हेलो झरना, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। आपके साथ कोई है तो नहीं ना? मेरे साथ कौन होगा, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन तुम कहाँ हो? अच्छा सुनिए ना, मैं और माधी ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है घूमने, तो आप चिंता मत कीजिएगा। घूमना तो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन हो कहाँ तुम? मैं आपको पहुँच के बताऊंगी ना। कहाँ कहाँ पहुँच कर? अरे जहाँ भी पहुँचूंगी बताऊंगी मैं आपको। बकवास बंद करो, पूछ रहा हूँ ना कहाँ हो, बता नहीं पा रही हो कहाँ हो? क्या रटा फैला के रखा है तुमने? पुलिस आ गई है यहाँ पर। और तुमने हसीना मैडम की गन चुराई कैसे? हेलो मैडम, फोन काट दिया। तो काटेगी ना, तो क्या तुम्हारी आरती उतारेगी वो? अभी क्या बोला था, प्यार से बात करना है, प्यार से बात करते तो अभी तक पता चल जाता कि तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारी माँ किधर है। सॉरी मैडम, थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं ऐसी की तैसी तुम्हारे गुस्से की चूरन ना हो तो। ये पक्का माजी पुलिस के साथ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्लू तलाशी करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मेरा चश्मा मिल जाएगा। हाँ संतू बोलो। मैडम, ये दोनों सास बहु का जो फोन है वो ट्रेस हो गया है और इनकी करंट लोकेशन है गोपालगंज साबो गोदाम। बहुत बढ़िया संतू, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, ये बात मीरा को मत बताना क्योंकि हम पहले दबोचना चाहते सास बहू को, समझ के हमारी बात को? नहीं नहीं मीरा मैडम क्या, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि वो अलग ही ट्रैक पर चल रही है। उन्होंने मुझसे झरना का फोन डिटेल मांगा था और मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन उन रिकॉर्ड से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई लव यू संतू। आई लव यू टू मैम। ये क्या कर रही हैं आप? संतोष शर्मा ने झरना के कॉल रिकॉर्ड्स भेजे हैं, उन्हीं को स्कैन कर रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड। क्या हो गया मैडम? इसमें हसीना मैडम का भी नंबर है, इसका मतलब वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। क्या बोल रही हैं आप, कुछ भी बोल रही हैं? संतोष शर्मा को कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि हसीना मैडम की लोकेशन ट्रेस करे। अरे लेकिन आप अभी, अरे हमारी बात ऑर्डर, बात बात पे ऑर्डर झाड़ देती है। आपने हमसे वादा किया था मैडम कि आप हमसे मिलने के लिए अकेले आएंगे, फिर आपने अपने बाकी लोगों को इस बारे में क्यों बताया? हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। देखिए पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वालों का काम ही होता है चीजों के बारे में पता लगाना, तो उन्होंने कहीं से पता लगा लिया होगा, हम किसी को क्यों बताएंगे? और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, इसलिए प्लीज बताइए क्या आपने गन चुराई है? मैं आपकी गन चुराना नहीं चाहती थी मैडम, मैं एक सीधी साधी नॉर्मल फैमिली की हाउसवाइफ हूँ, मेरा आपका गन से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर गन चुराई ही क्यों? इसे एक मानसिक बीमारी है चोरी करने की, जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता और जो भी चीज़ सामने मिलती है ना चाहते हुए भी उसे चुरा लेता है। मतलब तुम्हें क्लेप्टोमेनिया है? जी। बिल्ला कुछ मिला क्या? मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। हा? देखो मेरा चश्मा भी मिल गया, लेकिन इस आग से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्ले क्योंकि खैर कहाँ मिला, कहाँ कहाँ? यहाँ मिला। ये पेन किधर गया, यहीं तो रखा था। बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को, लेकिन जब भी कोई चीजें देखती हूँ तो उन्हें चुरा लेती हूँ, छुपा लेती हूँ।
हर चोरी के बाद मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, बहुत बुरा फील होता है। अपनी ही नजरों में मैं गिर जाती हूँ और हर बार सोचती हूँ कि हर चोरी के बाद मैं उनका सामान उनको लौटा दूंगी, पर ये सोच के डर जाती हूँ कि वो लोग मुझे चोर कहेंगे और फिर मैं अपने हस्बैंड और अपने घर की इज्जत के बारे में सोचने लगती हूँ। पर मैं हर चुराए हुए सामान के ऊपर उनका नाम लिख देती हूँ कि समय आने पर मैं उनका सामान, उनकी चीजें उनको लौटा सकूं। आखिर पहुंच ही गए हम फसाद की जड़ तक, मिल गया सबका चुराया हुआ माल। एक मिनट, इसमें मेरी घड़ी मिली क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में? पेरेंट्स को डर था कि अगर मेरी चोरी वाली आदत किसी को पता चलेगी तो मेरी शादी में रुकावटें आएंगी, और ये बात उन्होंने सुबोध और घर वालों को भी नहीं बताई। ये बात सिर्फ मेरी सास को मालूम है और उन्होंने कभी मेरे अंदर कोई दोष नहीं निकाला। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी इस बीमारी से लड़ने के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। पर अब सबको पता चल गया है ना, अब सब कुछ खत्म। नहीं, सुनो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बीमारी की वजह से हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे इस मामले में। हमारी गन वापस दे दो। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं जेल नहीं जाना चाहती। झरना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। फ्लाइट इज एन एडमिशन ऑफ क्राइम। कानून की नजरों में भागना या फरार होना अपना जुर्म कबूल करने के बराबर है। एक मिनट मीरा, काम डाउन। ये लोग मुजरिम नहीं है। मैडम सर, इन्होंने आपकी गन चुराई है। जानबूझकर नहीं, सुनो, इन्हें क्लेप्टोमेनिया नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और चोरी कर बैठता है। तुम जानती हो इसके बारे में? जानती हूँ मैडम सर, पर चोरी तो चोरी है, अपराध है, क्राइम है। हाँ, लेकिन जानबूझकर नहीं, इनका इंटेंशन नहीं था। देखो, ये बात तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। जब कोई अपने फायदे के इंटेंशन से चोरी करता है तो उसे क्राइम कहते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से चोरी करता है तो वो क्राइम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पर मैं कैसे मानूं इन्हें क्लेप्टोमेनिया की प्रॉब्लम है? क्योंकि ये देखो, इन्होंने हमें हमारी गन वापस कर दी है। इन्होंने हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया था हमें हमारी गन वापस करने के लिए। आप चाहे तो हमारे कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती है। ये काफी प्रूफ है इस बात का कि ये बेकसूर है। तो फिर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब आप भी इनके साथ मिली हुई है। अब मुझे आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। कमाल है, आज ही पुलिस वाली है, अपनी सीनियर को अरेस्ट करने की बात कर रही है। ये तो माजी, ये हमें मार डालेगी। हसीना जी भी हमें नहीं बचा सकती। हम कह रहे चलिए यहाँ से। सोचना भी मत झरना, वरना मुझे शूट करना पड़ेगा। मीरा, एक मिनट, ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है। हम आपसे कह चुके हैं, गन नीचे कीजिए। बीच से हट जाइए मैडम सर, अदरवाइज आई विल शूट। आई विल काउंट टू 3। अंडरस्टैंड मीरा, ऑर्डर दे रहा हूं मैं, गन नीचे। दिमाग और आ गया क्या तुम्हारा? मैडम सर पे गोली चलाने वाली हो तुम, तुमको तो हम खोल डालेंगे। करिश्मा सिंह, काम डाउन। नहीं मैडम सर, आज आप हमें मत रोकिए। आप पे गोली चलाने वाली थी, ये टीन के डब्बे का ना हम पिचका डालेंगे इसको, आज इसका पूजा चित्रा डालेंगे हम। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मैडम सर पे गोली चलाने का? करिश्मा सिंह, संभालिए खुद को। अरेस्ट तो आपको भी करना चाहिए। पुलिस प्रोसेस में इंटरफेयर करना इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मैडम सर क्रिमिनल्स को बचा रही थी और मैं उन्हें पकड़ रही थी। आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मां जड़ बुद्धि, पहले पूरा बात ठीक से सुना करो। वो चोर नहीं है, वो बीमार है। उसको सजा का नहीं, उसको इलाज का जरूरत है। ये उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखो, इसको वो किप्टो, वो क्या कहते हैं वो बिल्ले उसको अंग्रेजी में, किप्टो मलेरिया। मलेरिया उसको, वो मलेरिया हुआ, समझ लो हमारी बात को। क्लेप्टोमेनिया, हाँ वही हुआ है उसको। तुमने ही भेजा था ना हमें उसके घर पे ढूंढने के लिए, तो उसके घर से हमको ये मिला है। देखिए, झरना ने चोरी जरूर की है पर वो चोर नहीं है। प्रूफ एक्सेप्टेड। पर मेरे लिए तुम एक चोर ही हो। सुबोध सुनो, तुम जानते नहीं हो लेकिन तुम्हारी बीवी को मैंने सब सुन लिया है मैडम। चोरी का कलंक लग चुका है हमारी फैमिली पर, और हम क्या समझाएंगे लोगों को कि नहीं
मेरी बीवी चोर नहीं है, उसको तो चोरी की बीमारी है। हा? मजाक बन के रह जाएंगे हम लोग, और लोग पास बैठने से डरेंगे कि कब कहीं से क्या किसका क्या पार कर दी है। नहीं मैडम नहीं, ये चोर ही है। ये क्या कह रहे हो बेटा, इसमें इस बेचारे की क्या गलती? आप तो रहने ही दो माँ, सब कुछ जानते हुए भी इतने गिरे हुए काम में आपने इसका साथ दिया, मुझे भनक तक नहीं लगने दी। नहीं माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे डर था कि जिस दिन तुम्हें इसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तुम इसे छोड़ दोगे। मैं तो इसे वैसे ही छोड़ रहा हूँ माँ। मुझे जिंदगी भर चोर के साथ नहीं रहना, पूरी जिंदगी चोर का पति कहलाने का शौक नहीं है मुझे। मैं इसे छोड़ रहा हूँ अभी इसी वक्त। मीरा कंफ्यूज्ड, ये कैसा हस्बैंड है जो अपनी पत्नी को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल ही टोपा है ये आदमी, समझ रही हो हमारी बात को? क्या दिमाग बार आ गया तुमको? तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? समझ में भी आ रहा है तुमको? तुम अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक समस्या से जूझ रही है, उसको तकलीफ में है, वो उसका इलाज कराओ, उसको ठीक करो, उसको साथ दो। मुझे नहीं देना साथ। और आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप जो चाहें वो करिए, इसके साथ जेल में डालिए। वो घड़ी मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, प्लीज मुझे वो ढूंढ के दीजिए फॉर गॉड्स सेक। चलो मां। कांग्रेचुलेशंस मैडम सर, आपकी सर्विस गन मिल गई, आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से आजाद हो गई। वेलकम बैक टू महिला पुलिस थाना, आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है मैडम सर। ये वर्दी हमारे लिए हमारा गौरव है, हमारा बोझ नहीं, और जब तक हम इस केस को सही मायने में सॉल्व नहीं कर देते ये बोझ ही रहेगा। जब तक हम झरना को उसका घर, उसका परिवार और उसका आत्मविश्वास लौटा नहीं देते, हम ये वर्दी नहीं पहनेंगे।